Good morning, students. Welcome on the platform of RPS online classes. Previous class में जो हम लोगों ने study किया था वो graduation chapter से था. वो chapter almost complete हो गया. अब उस chapter से जो भी remaining section या जो chapter से belonging questions हैं वो सबको complete कर लें. अभी आज हम लोग start कर रहे हैं next chapter. That is work energy and power. Work energy and power actually these all are the separating terms but interrelated. Work is related to energy and power is also related to work energy. Interrelated terms. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू जस्ट डिफाइन अबाउट व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ वर्क. एक्चुअली जब हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं, जैसे अगर तुम पढ़ रहे हो तो बोलते हो कि हाँ हम काम कर रहे हैं, खेल रहे हो काम कर रहे हैं, सब कुछ सब चीज डिफाइन है. बट यहां एक क्लियर कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बात करते हैं किसी ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस का कुछ मीनिंग नहीं है, और जब एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस का मीनिंग नहीं होगा उसके अल्टीमेट रिजल्ट का मीनिंग नहीं होगा, उसका एक दूसरे के साथ कोई इंटररिलेशन नहीं होगा, तो फिर हम इस वर्ड को डिफाइन नहीं कर सकते. क्योंकि साइंटिफिक नजरिए में वर्क वही है जिसमें फोर्स का एप्लीकेशन हो, पहली बात. और फोर्स का एप्लीकेशन हो जाने से ही वर्क नहीं एक्सेप्ट करते हैं. फोर्स का एप्लीकेशन हो और उसका अल्टीमेट रिजल्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट दे रहा हो, उसके सिचुएशन उसके पोजीशन में कुछ चेंजिंग आ रहा है. अगर इसके पोजीशंस में चेंजिंग नहीं होगी तो फिर ये वर्क नहीं होगा. तो मैथमेटिकली वर्क इज डिफाइंड एज सम इट इज डिनोटेड एज डब्ल्यू एंड मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. इनफैक्ट वर्क इज द स्कॉलर वर्क इज द स्कॉलर प्रोडक्ट या वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड here this dot product means f dot s and f dot s is equal to f s cos theta. तुम सब जब हम अपनी चैप्टर्स का बिगिनिंग जब स्टार्टिंग कर रहे थे उस वक्त स्केलर फैक्टर इस सब तरह का टर्म बताया था. तो जो फैक्टर मैथमेटिक्स में जिस तरीका से रिजल्टेंट निकालने का तरीका अलग है, उसी तरीका से फैक्टर सब्जेक्ट में फैक्टर मैथमेटिक्स में जो प्रोडक्ट निकालना है उसका भी तरीका डिफरेंट है. और यह तरीका दो तरह के होते हैं. फैक्टर में फैक्टर जगह में जो प्रोडक्ट का मेथड है वो या तो ऐसा डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट कैसे डॉट प्रोडक्ट में डिनोट करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिनोट. ये डॉट प्रोडक्ट जो है मैथमेटिकली उसके टर्म में जो डिफाइन होता है वह इस तरीका से, अगर कोई फैक्टर ए और बी है, ए डॉट बी है, तो ए बी कॉस थीटा कैसे डिफाइन होता है. अगर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना हो तो ए बी साइन थीटा ऐसे डिपेंड करते हैं. इसे ना फैक्टर प्रोडक्ट भी हो और इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. और तुम्हें फैक्टर में ऑलरेडी बता रखे हैं डायरेक्शन का क्या मतलब है, उसका मैग्नीट्यूड होगा फिर पार्टी का डायरेक्शन भी होगा उसका. लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, इसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई इसका फिक्स भी नहीं. और डायरेक्शन नहीं होगा तो स्केलर प्रोडक्ट होगा. तो यह जो एफ डॉट एस जो डॉट प्रोडक्ट है इसे स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं और इस
f को वर्क को कैसे लिख सकते हैं, और यह वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, यह वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है ये सारे चीजें हम अगली क्लास में प्रोजेक्ट करके बताएंगे। यहां अगर यह पूछा जाए द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, देखो यहां द वर्क डन डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट ऑफ ऑल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। जो सेकेंड है वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, तो सेकेंड कह रहा है एस, इसका मतलब क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एस डिस्प्लेसमेंट, और थर्ड थीटा, थीटा क्या है एंगल, एंगल मतलब जो फोर्स लग रहा है और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होने का डायरेक्शन है, ठीक है। एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एंगल बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस एंड द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल गिव्स द डायरेक्शन, दैट इज थीटा। इट मींस जब इस तरीका के कन्वेंशन हम करेंगे वर्क डन को जब डिफाइन करेंगे, इस वर्क डन का जो वैल्यू होगा वह उसके फोर्स और फोर्स की लगने से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका प्रोडक्ट होगा, इसके साथ साथ एंगल थीटा भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके क्लियर है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले जो तुम्हारे बुक एनसीईआरटी का जो चैप्टर है और उस चैप्टर में जो यह टॉपिक दिया हुआ है वर्क एनर्जी पावर, उस वर्क को अच्छे तरीके से स्टडी करके आओ, फिर तुम्हें क्लियरली है समझ में आएगा कि मैंने भी यहां पे कहा है कि वर्क इसके फोर्स डिस्प्लेसमेंट और थीटा इन सभी चीजों पे डिपेंड करेगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, वो एग्जांपल्स भी हम तुम्हें बताएंगे समझाएंगे, उसे पढ़ करके आइए। अब तक के लिए बस इतना ही, ओके थैंक यू।